आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। बागेश्वर धाम में एक और युवक की मौत हो गई है। युवक यूपी के गोरखपुर का रहने वाला था। गुजरात में परिवार के साथ रहकर फर्नीचर का काम करता था। कुछ दिन पहले अपनी पत्नी साली और बेटे के साथ बागेश्वर धाम आया था। यहाँ उसे एक चक्कर आया था और वह धाम में बाबा के सामने ही गिर गया था। परिजन उसे जिला अस्पताल लेके गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। नाम विजय कश्यप है। मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि विजय को लेकर परिवार बागेश्वर धाम आया था। मनीषा ने बताया कि उसके जीजा विजय कश्यप को दौरे आते थे। परिवार को उम्मीद थी कि धाम से विजय ठीक हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक की साली और खुद को सेवादार बताने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि विजय को अचानक चक्कर आया और वह वहीं गिर गया। सभी उसे लेकर बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास गए। कुछ देर तक उनकी सांसें चल रही थी, फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया। मृतक की साली और सेवादार ने बताया कि विजय को धीरेन्द्र शास्त्री ने एक विभूति दी थी और कुछ देर सेवा भी की, लेकिन कुछ देर बाद विजय की सांसें चलना बंद हो गई। उससे बागेश्वर धाम की एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने विजय की जांच की तो पता चला कि वह दम तोड़ चुका है। मृतक घोषित किए जाने के बाद परिजन फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर जिला अस्पताल में रुकने के बाद परिजन शव को लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहिए सौगंध। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।